बारे में बात करेंगे। वैसे तो मैंने तान पर एक वीडियो पहले भी बनाया है जिसमें मैंने समझाया है कि तान क्या होती है, उसका डिस्क्रिप्शन दिया है। तो आज हम तानों के कुछ पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे और अलंकारों में या अलग अलग रागों में इसे सेट करके कैसे गाया जा सकता है, कैसे इसका रियाज किया जाता है, ये हम जानेंगे। तो तान शब्द जो है तानना शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है कि स्वरों को तानना यानी स्ट्रेच करना, वो भी एक बहुत ही फास्ट टेम्पो में, ये मैं बता चुकी हूँ। तो देखिए, अगर हम शुद्ध स्वर में, यानी कि अगर किसी राग में शुद्ध स्वर लग रहे हैं, स्पेशली जो संपूर्ण जाति के राग हैं उनमें तानों को कहना, तानों को जो रेंडर करना होता है वो कंपैरेटिवली इजी होता है। औडव जाति के रागों में, षाडव जाति के रागों में थोड़ा सा ये डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसमें स्वरों को स्किप करना पड़ता है। और कई राग ऐसे होते हैं जैसे कि राग देश है या राग बागेश्री है, जिसमें और आरोह और अवरोह दोनों को अलग अलग तरीके से लिया जाता है, जिसमें स्वरों का प्लेसमेंट थोड़ा अलग होता है। तो देखते हैं कि जो संपूर्ण राग हैं उनमें हम तानों को कैसे बना सकते हैं। तो मान लीजिए अगर राग भैरव है, भैरव में रे और धा कोमल लगता है, तो इसमें हम कितनी तरीके के ताने बना सकते हैं जानते हैं इस सेशन में। लेकिन उससे पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल दीपशिखास म्यूजिक। अगर हम शुद्ध स्वर लेते हैं तो हम उसमें कैसे ताने बना सकते हैं। सरे गा मा मा गा रे, सरे गा रे मा गा मा गा पा मा 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 गा, सरे सा मा 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 गा पा मा गा मा मा गा मा मा गा रे गा गा रे सा। इस तरीके से मतलब तीन चार स्वरों में ही उलट पुलट करके ताने बना सकते हैं। सरे गा मा मा नी सा धा नी सा धा नी सा नी सा नी सा नी सा मा मा सा नी सा मा मा पा नी 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 सा मा 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 धा मा धा मा 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 धा मा धा मा 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 गा रे सा नी सा। इस तरीके से मतलब स्वरों को कहीं स्किप करके या फिर कहीं रैंडम नोट्स को लेकर ताने बना सकते हैं। अलंकारिक जो ताने होती है वो आपको रियाज के लिए बहुत हेल्प करेगी। जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई पैटर्न लिया, सरे सा गा सा मा सा पा सा गा रे मा गा पा सा पा मा गा रे सा, रे गा रे मा रे पा रे धा रे मा गा पा मा धा रे धा पा मा गा रे। अब ये मैंने जो चंक लिया है, सारे सा गा सा मा सा पा सा गा रे मा गा पा सा पा मा गा रे सा, इस चंक को आप आगे बढ़ाते जाइए एक एक स्वर प्रोसीड करते हुए। जब हम अलंकारिक तान बनाते हैं तो उसमें हमें पैटर्न दिखाना होता है और उस पैटर्न को हम आगे ले जाते हैं। अगर यही तान मुझे भैरव में करनी है तो मैं रे और धा को कोमल कर दूंगी। अगर इस तान को मुझे काफी राग में करना है तो मैं गा और नी को कोमल कर दूंगी। तो इसी अलंकारों को, इन्हीं अलंकारों को लेते हुए हम तान बना सकते हैं। जैसे कि राग भैरव में जिसमें कि आपको ना कि सिर्फ रे और दा कोमल करना है बल्कि जो राग का जो एक स्वरूप है उसे भी दिखाना होता है। जैसे कि भैरव राग में गा मा गा धा पा, ये जो भैरव की राग वाचक स्वर संगति है इसे भी आप बीच बीच में दिखाते रहिए, नहीं तो भैरव और कलिंगड़ा में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। वैसे तो जब हम तानों को गाते हैं तो उसमें वर्जित स्वर भी कभी कभी ले लिए जाते हैं और उसमें राग की शुद्धता पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि राग की शुद्धता को हम बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि राग की शुद्धता को पूर्ण रूप से नहीं ध्यान में रखा जाता है। तो देखिए, अगर हम औडव जाति के रागों में ये बनाए, तो औडव जाति के रागों में है दुर्गा, भोपाली, वृंदावनी, सारंग, ये सब औडव जाति के राग हैं। तो इनमें कैसे बन सकता है, गरे सारे गा मा मा गरे गरे मा गा मा गरे सारे गा मा मा गरे सा इस तरीके से हम ताने बना सकते हैं। सारे गरे गा मा गा मा गा मा गा सा गा मा गा मा गा मा गरे
अगर हम इसे 4x4 में लें, सरेगा मरेगा पादा गावा दा सा सा गावा गा दा पागे रे पागे रे सा। ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ मध्य सप्तक को लें, आप जब रियाज करें या फिर आप कभी परफॉर्म भी करें तो आप मंद्र सप्तक में उसे एक्सपैंड कर सकते हैं, तार सप्तक में भी एक्सपैंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से तानों को बनाने का तरीका देखिए। कई ताने जो होती हैं गमक की ताने होती हैं, जैसे कि जिनमें गमक का खास ख्याल रखा जाता है। सादा सादा रे सारे दा सा पा पा दा सा दा पा गा पा दा पा गा रे गा पा गा रे सारे गा रे सा। एक गमक, दो गमक, तीन गमक, इस तरीके से गमक की ताने होती हैं। शुद्ध तान या सपाट तान सरे गा पा दा सरे गा रे सा दा पा गा रे सा सरे गा पा दा सरे गा पा रे सा दा पा गा रे सा। इस तरीके से होती हैं। तो आप इसको अगर स्टडी करेंगे तो तानों के बहुत सारे प्रकार आपको जानने को मिलेंगे। अब देखिए, जैसे कि राग होती हैं बागेशी है या फिर देस है, इनको थोड़ा गाने का तरीका अलग होता है। बागेशी भी एक बहुत ही टिपिकल राग है जिसमें कि आरोह अवरोह अलग है, जो जो इसकी रागवाचक स्वर संगति है वो अलग है। तो बागेशी मगारे सा सगा मदा निदा मदा निदा मजा निजा निदा निदा मामा दा गा मगरे जा। क्योंकि बीच बीच में ये जो वैसे तो इसमें पंचम को भी कभी कभी आरोह में ले लिया जाता है, संपूर्ण करके गाते सा निदा वा मगरे जा ऐसे भी गाते हैं, लेकिन जो कि बागेशी के जो एक जब हम इसे नियमानुसार देखें तो बागेशी के अगेंस्ट में है। कई जो गायक हैं, जो गुणी जन हैं, वो इस तरीके से भी बागेशी को गाते हैं। मा गा मा रे जा इस तरीके से बागेशी में आप ताने बना सकते हैं। यानी तानों को बनाने के लिए आपको सबसे पहले अलंकारों पे काम करना पड़ेगा। अलंकार आपके जितने पक्के होंगे उतना ही आप राग को भी एक्सपैंड कर पाएंगे, और उसके बाद जो रागदारी है, जो उपज है, जो बोल तान बोल अलाप है या ताने हैं, उनको भी आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो डोंट बी इन अ हरी। अगर आपको तानों को भी सेट करना है तो पहले उसे आप कम लय में करिए, मध्यम लय में करिए। मध्यम लय में करने से जो सुर होते हैं वो आपके गले में सेट होते हैं धीरे धीरे। अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे, अगर आप उस चीज़ का डिटर्मिनेशन नहीं रखेंगे तो आप उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे। और अगर आप जल्दी करेंगे या फिर इम्पेशेंट होके तानों के रियाज करेंगे, गलती से अगर आपके गले में, आपके कंठ में गलत सुर सेट हो गए तो वो आपके लिए ही ठीक नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप उन तानों को मध्यम लय में करिए। अब देखिए, राग देश में कैसे तानों को लेते हैं, क्योंकि राग देश में अगेन आरोह में शुद्ध नहीं है और अवरोह में कोमल नहीं है। इसी तरीके से जैसे कि बहुत सारे और भी राग हैं, जैसे केदार भी एक बहुत टिपिकल राग है, या फिर हमीर है, ये भी अलग तरीके से गाए जाते हैं। अब जैसे राग हमीर है तो उसमें पम पम धनी धनी सारे सा, इस तरीके से उसमें बीच में एक रागवाचक स्वर समूह आया है गम। तो हम गाने में, क्योंकि ये जो राग हैं इनमें दो तीन रागों का सम्मिश्रण है, तो आपको ब्लेंड करते हुए इसे उन दोनों रागों को ब्लेंड करते हुए, या दो तीन जो भी राग हैं उनको ब्लेंड करते हुए ही आलाप करना है, उसे एक्सपैंड करना है, और तानों में भी वही ब्लेंड दिखाना है। इसमें
बिलावल है, इसमें कामोद है, तो आपको उन दोनों को मिक्सर करते हुए ताने आपको बरतने हैं। तो तानों को आगे साधने के लिए, उनको समझने के लिए ज़रूरी है कि आप जो आपके गुरु हैं उनके सामने रियाज करिए और उनसे इनपुट्स लीजिए कि कैसे आपके रियाज को एनहांस किया जा सकता है। वैसे तो इस सेशन में मैं पूरी तरीके से नहीं बता पाई हूँ कि और कैसे तानों को हम बना सकते हैं, और बिकॉज़ ये इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि जिसको हम पूरी तरह से एक सेशन में डिफाइन नहीं कर सकते, तो मैं आगे सेशन में डिस्कस करूँगी कि कैसे हम अलग अलग रागों में अलग अलग तरीके से ताने या फिर अलाप हैं या फिर उपज हैं ये बना सकते हैं। तो जितना आपका रियाज होगा, बिकॉज म्यूजिक इज़ ऑल अबाउट रियाज, इनफैक्ट म्यूजिक ही नहीं कोई भी फील्ड है उसमें आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ही आपको रास्ते खुलते चले जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, और आगे के फर्दर सेशंस के लिए स्टे इन टच विद मी विद दीपशिखा म्यूजिक। नमस्कार।